उन्नाव में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। वही हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए रिक्शे पर लाद कर ले जा रहा था। ग्रामीणों ने उसे देखा तो शव के आधार पर उसे रोक लिया। वही पुलिस को सूचना भी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मामला गंगाघाट कोतवाली के प्रेमनगर मोहल्ले का है। आपको बता दें, कटरी गौसिया मस्जिद के पास रहने वाला योगेंद्र तिवारी रिक्शा चालक है। तो वही शनिवार सुबह 5 बजे वह रिक्शा पर लादकर अपनी पत्नी पिंकी गुप्ता को ले जा रहा था। ग्रामीणों ने देखा तो उससे पूछा, तो वही पता चला कि पत्नी की मौत हो गई है। ग्रामीणों को हत्या का शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया। डरा सहमा था, पुलिस को शक हुआ तो उन्होंने उसे हिरासत में ले लिया और थाने लाकर पूछताछ करने लगी। तभी योगेंद्र ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। योगेंद्र ने बताया कि 15 साल पहले उसने पिंकी से प्रेम विवाह किया था और वह शराब पीने का लती था। कल देर रात घर लौटा तो किसी बात को लेकर पत्नी से झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ा कि इसके बाद दीवार में सिर लड़ा लड़ा कर उसे मार डाला। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि दोनों का 15 सालों में एक भी बच्चा नहीं था। दोनों के बीच आए दिन इसी बात पर झगड़ा होता रहता था। योगेंद्र शराब पीकर आता था और अपनी पत्नी से मारपीट भी करता था। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।